फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। कल रात को मालेगांव के एडिशनल एसपी सर श्री भारती सर, इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के हद में कुछ लोग कट्टा, तलवार, ऐसे औजार लेके दरोड़ा डालने की तैयारी कर रहे। ये मालूमात मिलने पर ये मालूमात हमने एएसपी श्री संधू सर इनको बताई और उनके गाइडेंस में मैं, मेरे साथ में पीएसआई शेख, मेरे स्टाफ के मनोज चौहान, मिसर धारणकर, उमेश सांगड़े, ऐसे लोगों ने वहां जाके छापा डाला। छापा डालने के बाद वेकार मास्टर, जिसके पास हमको कट्टा मिला, वैसे ही वसीम खान, शब्बीर खान, अब्दुल मलिक, मोहम्मद यूसुफ, ये लोग हमने पकड़े। उनके पास से तलवार, चॉपर, ये बरामद किए। वेकार मास्टर के पास जो कट्टा मिला, वो कट्टे में यानी मैगजीन में दो जिंदा राउंड भी थे। उनके तीन साथीदार उसमें रब्बानी, सीरिया और इस्तियाक अप्सरा, इम्तियाज़ अप्सरा, वो भागने में कामयाब हो गए। आज बाद में इम्तियाज़ अप्सरा, इसको भी हमने गिरफ्त में ले लिया है। आज ये तीनों आरोपियों को कोर्ट में हाजिर किया, कोर्ट ने उनको 4 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। कोई क्वेश्चन? वीडियो जो वायरल हो तो वीडियो हा काल रात्रीचा व्हिडिओ आहे, त्यांचं काहीतरी वाद वगैरे झालेले आणि त्यानंतर याने गँग तयार करून हा प्लॅनिंग केलेलं होतं। हम जब स्पॉट पे गए तो वहाँ इम्तियाज अप्सरा वहाँ भी था और हमको देख के वो भाग गया। हाँ, उनका क्या हुआ है ये हमको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। कौन कौन सी कलम लगी? इसमें धारा 399 IPC 399 भी कलम लगी है।